तो श्रीमान श्रेष्ठ बोल से श्रेष्ठ स्थिति बनती है। हमारे बोल प्रेरणादायी बोल हो, उमंग उत्साह देने वाले बोल हो, वरदानी बोल हो, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमने देखा है ब्रह्मा बाबा के जो बोल हैं वो हमेशा श्रेष्ठ बोल होते थे, इसलिए उनको महावाक्य भी कहते थे। कभी कभी हंसी मजाक में हम कुछ बोल मुख से बोल देते हैं जिससे वाणी का बल कम होता है और समय का जो खजाना है वो नष्ट होता जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाप समान हमारे बोल प्रेरणादायी हो, श्रेष्ठ हो, सुखद हो, सुकून देने वाले हो, क्योंकि बोल हमारे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। अगर कभी हम एकदम नए व्यक्ति के साथ फोन पर बात करते हैं तो वो कैसे बोल बोलता है उसके आधार पर हम उसके व्यक्तित्व को परख लेते हैं। उदाहरण बताता हूं, एक बार राजा सुबेदार और सिपाही तीनों घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने गए थे। जैसे जंगल में गए उन्होंने घोड़े को बांधा एक स्थान पर, घोड़े के पैर में घुंघरू थे, लेकिन जैसे शिकार करके वो वापस आए तो घोड़ा वहां नहीं था। तो राजा को संकल्प चला घोड़े को ढूंढने के लिए सिपाही को भेजे। तो सिपाही जैसे घोड़े को ढूंढने के लिए गया, रास्ते में एक अंधा व्यक्ति बैठा था। सिपाही ने उससे पूछा, हे अंधे बाबा, यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा, घुंघरों की आवाज तो नहीं आए? उसने कहा, नहीं भाई, देर होने के कारण राजा ने सूबेदार को भेजा घोड़ा ढूंढने के लिए। सूबेदार भी उसी रास्ते से आगे बढ़ता गया और जब वो अंधा व्यक्ति मिला तो वो पूछने लगा, बाबा जी, यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा, घुंघरों की आवाज तो नहीं आए? उसने कहा, नहीं भाई, देर होने के कारण स्वयं राजा घोड़े ढूंढने के लिए निकल पड़ा, उसी रास्ते से जाने लगा। और जब वो अंधे व्यक्ति को मिले तो उन्होंने कहा, महात्मा जी, यहां से घोड़ा तो नहीं गुजरा, कोई घुंघरू की आवाज तो नहीं आई? उसने कहा, नहीं राजन। तो राजा चौंक गया कि इसको दिखाई नहीं देता है, इसने कैसे पहचाना कि मैं राजा हूं? उसने उससे पूछा, आपको कैसे पता चला मैं राजा हूं? उसने जवाब दिया, राजन, आपके बोल इतने सम्मान देने वाले थे
इतने श्रेष्ठ थे, तो ऐसा बोलने वाला व्यक्ति जरूर कोई बड़ा होगा, ये मैंने परख लिया। तो कहने का भाव है हमारे बोल ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान देते हैं, हमारे श्रेष्ठ स्थिति की पहचान देते हैं। इसलिए हमारे मुख से सदा श्रेष्ठ बोल निकलते जाएंगे तो हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती जाएगी।